हेलो गाइस, हैप्पी भैया दूज। आज भैया दूज है और हम लोग जा रहे हैं भैया दूज करवाने, और शिल्पा भी जा रही है अपने घर। सूर्य रेडी हो चुका, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, शिल्पा हो रही है अभी रेडी, पिक्सी तैयार हो चुकी है। सूर्य भाई गेम खेले जा रहा है बहुत देर से, रुक नहीं रहा है, बहुत गेम खेलने लग गया भाई से। समझाओ, गेम मत खेले, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। सो रहा यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार। हाँ वही तो कर दे रहा हूँ, कल रात को मैं पढ़ता भी हूँ और अब देखते नहीं हो, आप तो जिम में रहते हो, कैमरा को ऊपर नहीं लगा रहे हो। चलो मैं देख लूंगा, शाम को मैं देख लिया करूंगा आप किस टाइम पढ़ाई करते हो। ये तैयार चुकी है भाई अपनी डाइट, ओट्स है, मसाला ओट्स, और अभी एग खा चुका हूँ मैं। अब थोड़ी देर के बाद लस्सी पीऊँगा, फिर मैं निकलूँगा यहाँ से जहांगीरपुरी के लिए। पिक्सी करेगी अब शोरे का, अपने भाई का, भाई दूज। चलो शोरे, फ़ोन रखो एक बारी नीचे। चलो बेटा करवाओ, भाई दूज करवाओ दीदी से। ऊपर देखो, सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो शोरे। हाँ चलो करो। हाँ ये चलो, बहुत बढ़िया। चलो चॉकलेट दो, चॉकलेट खिला दो शोरे को, भाई को। चलो कौन सा आदमी बांधे सीधे पे? सीधे? हाँ सीधे, दो बारी घुमा के। हाँ ऐसे करना। सो रहे, दीदी को 1000 रुपीस दो फटाफट। नहीं क्यों, 1000 ना है पापा। चलो 500 दे दो, 500। एक बात बताऊँ, आप मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए, वो पापा लेते हैं हमेशा। मैं लेता हूँ। चलो हाँ। मैं आपको दे रहा हूँ, आप दीदी को दे दो। है पैसे दो आप लेते मेरे, और खुद तो झूठ बोलते हो। 500 रुपए चलो खाओ। हो गए भाई, हम सारे के सारे रेडी, और अब हम चलने के लिए तैयार है भाई। तैयार है सिर्फ, अभी और टाइम लगेगा। नहीं सबसे ज्यादा टाइम ही तुझे लगता है यार। सबसे टाइम ज्यादा लगाती है, सबसे ज्यादा टाइम आपको लगता है। बेटा मैं तो बहुत देर का तैयार हो रखा हूँ, मम्मी ने टाइम लगाया सारा का सारा। नहीं सबसे ज्यादा टाइम आपको ही लगता है। ये कहाँ से चाहिए भाई, ये तो उड़ जाती है ना हाथ में, थोड़ी जाती है तितली। ये तो पालेंगे तो फिर, प्यार करेंगे तो फिर अपने आप आ जाएगी हमारे पास। ये जब आप पकड़ोगे ना तो इसका कलर उतर जाता है। ये देखो आज एक्सीवी से चलेंगे घर। हैं शिल्पा ने आज साड़ी पहनी है भाई, साड़ी में कैसे लग रहे कमेंट करके बता देना। बैठ गए भाई हम लोग गाड़ी में, और हम लोग आज जा रहे हैं एक्सीवी 500 से घर। देखना इसमें इतनी सीटें खाली है, बच्चे कह रहे पापा छोटे वाली गाड़ी लेके चलो। मैंने बोला कोई नहीं, यहाँ मिल गया हमें ट्रैफिक जो कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और ट्रैफिक में फंस फंस के जाना पड़ेगा अब हमें घर। घर पहुँचेंगे हम थोड़ी ही देर में। ये देख लो शिल्पा को, बच्चे भी आराम से बैठे हुए हैं, ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है। ये लाइट का ट्रैफिक है या किस चीज़ का ट्रैफिक। हम आ गए हैं घर पर, और ये सिस्टर ने भैया दूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब बारी बारी सबका नंबर आएगा, छोटी बड़ी जितने भी सिस्टर है सब अपना धीरे धीरे भैया दूज करेंगी। और मम्मी भी यहीं बैठी है, पापा भी यहीं बैठे हैं, बांध दिया कलाई में धागा। और शोर है यहाँ पीछे से, शोर मचा रहा है, उसकी आवाज़ कर रखी हमने म्यूट। उसका जन्मदिन है, वो कह रहा मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। मम्मी भी इसके लिए कपड़े लेकर आ गई है, पापा भी इसके लिए कपड़े लेकर आ चुके हैं। ये रखे शोरे के न्यू कपड़े, कपड़े देख रहे हैं ये लोग, शोरे को दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं भी देखूंगा भाई दूज करवाने के बाद कपड़े कैसे हैं। अभी यहाँ से जाना मुझे अपने ससुराल, वहाँ पर भी भाई दूज करेगी शिल्पा, शाहिल का, रजत का, और फिर
फिर यहाँ थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो आज संडे, यहाँ अगर रेस्ट भी कर लेंगे, आराम भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। जिम की आज छुट्टी है, मिठाई खा ली है भाई ये मैंने थोड़ी सी। फिर से अभी दूसरी मिठाई आ चुकी है, मिठाई खा खा के यार बुरा हाल हो जाता है ऐसे टाइम पर ना, सबका ही बुरा हाल हो जाता है मीठा खा खा कर। और यहाँ इतनी सारी सिस्टर है मेरी छोटी बड़ी, इतने सारे गोले इकट्ठे हो जाएंगे, सबका लड्डू बनवा के खाना भाई। फिर बाद में गोले को पिसवा करके लड्डू बनवा कर खाएंगे सबका। फिर यहाँ करेंगे थोड़ा सा इंजॉय भाई सारे के सारे मिलकर। ये मौसी की बेटी खड़ी है साइड में, बहुत बहुत टाइम बाद मिलना होता है भाई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं घर जाने के लिए, सभी बिजी रहते हैं। यही भाई दूज रक्षाबंधन होता है जो इस टाइम पर मिल लेते हैं। हमारी मौसी की बिटिया है, हमारी छोटी सिस्टर, अभी लाइन लगा रखी है सबने, एक के बाद एक का नंबर आएगा, एक के बाद एक का नंबर आएगा। शिल्पा अपने घर जा चुकी है, वहाँ पर वो कर रही है अभी भैया दूज। रजत अभी घर पर है नहीं, थोड़ी देर में आएगा रजत, रजत का भी करेंगे। ये देख लो भाई सूर्य को, देख रहे सूर्य सबसे अपना गिफ्ट मांग रहे। सूर्य की सिस्टर आएगी बड़े भाई की बेटी निशा का, सूर्य का करेंगे। ये देख लो नोटी के साथ बच्चे खेल रहे भाई, कितना प्यार होता है ना डॉगी से। देख लो कपड़े कितने सुंदर, सूर्य को कमेंट करके बताना सूर्य के कपड़े कैसे। एक हमारा हैप्पी तो हमें छोड़ के चला गया, उसको बहुत मिस कर। ये नॉर्मल में बिल्कुल लाई हूँ इसको, देखो कौन सा लेकर आऊँ। दे देना लेकर के लेकर आऊँ, लेकिन सूर्य जीत करते पीछे पीछे रात रात ही नहीं आता। ये कितने साल से साथ में था ना, बड़े भाई की छोटी बेटी है दोनों ने भरत, देख लो कितने काम से करवा रहे सबको साथ, बहुत खेलते सब मस्ती करते हैं। तो इसलिए जहांगीरपुरी में जा करके खेलते हैं। या कि दूसरे भाई की बेटी, इसका तो नाम भी भूल जाता हूँ मैं, दृष्टि नाम है, टाइम हो चुका है भाई 3-4 के बीच में। देखो यहाँ से कब निकलना है, वैसे तो मुश्किल ही निकलना होगा क्योंकि छुट्टी आज, घर वालों को पता है इसलिए जाने नहीं देंगे। सूर्य से गोला कटेगा नहीं देख लिया आपने सूर्य को, वैसे जिससे ता नहीं करवा लो सूर्य से कितनी भी हैं, और ये गोला नहीं काटा गया इससे। अभी बोल दो चाउमीन खानी है, मोमोज खाना है, मैगी खानी है, एक मिनट में खा लेगा भर भर के। ये देख लो आज कैसे खा रहा है मिठाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, क्योंकि खाते ही नहीं, बिल्कुल भी मिठाई नहीं खाता। ये लो शिल्पा करेगी और साहिल का भाई दूज, ये भाई साहब आराम से बैठे हैं। देख लो आज इसने भी छुट्टी कर रखी है संडे वाले दिन, ये राखी इसने अभी तक उतारी नहीं, इतनी सारी राखी बंधी हुई है। अब इसे राखी उतारने के लिए बोल देते हैं भाई, ताकि अपनी राखी उतार दे, इतने दिन पहनते नहीं है। अभी थोड़ी देर मारने वाली है नेहा, नेहा करेगी फिर। और अभी हमारे भाई साहब जी एक दुकान पे बैठे हैं, दुकान से कितनी देर में फ्री हो कराएंगे देखो। अभी यहाँ पर सूर्य का भी भाई दूज होगा, मौसी के बच्चे हैं वो करेंगे बहन भाई आपस में। ये बांध दे शिल्पा ने कलावा, ये ले भाई साहिल को मिठाई खानी नहीं, इसके दांत में हो रहा दर्द, पहले कह रहा थोड़ी थोड़ी खिलाना। ये दे दिए साहिल ने पैसे, शिल्पा करेगी मम्मी के टीका। सूर्य आराम से बैठा हुआ है, देख लो सूर्य को पीछे, आज जिद नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, नहीं तो जिद करता कहीं बैठते ही नहीं है ये, आज आराम से बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतना शोर शराबा, इतनी शैतानी करता क्या बताऊँ मैं आप लोगों को।
आ गई हमारी सबसे बड़ी सिस्टर नेहा, बड़ी से छोटी है ये देख लो, नेहा मेकओवर। ये भाई ऐसा चमत्कार कर देती है कि आप लोग सोच नहीं सकते। ऐसा ब्यूटी पार्लर में इनका ऐसा कमाल है, घर से अगर कोई अपनी वाइफ को लेकर आए तो दोबारा पहचान नहीं सकते कि मेरी वाइफ है। ये बैठे हमारे भाई साहब बड़े। बाकी नेहा को भाई देखते रहना, इसका इंस्टाग्राम चैनल मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कैसा चमत्कार करती है, कोई पहचान नहीं पाता अपनी वाइफ को दोबारा, ढूंढता रहता है वो कि अब मेरी वाइफ आएगी, लेकिन वो वाइफ वहीं खड़ी होती है। ये देख लो ये हंसी निर्बंध हो रही नेहा की। अब इनका फोटोशूट स्टार्ट हो जाएगा जो कि बहुत देर तक चलने वाला है, क्योंकि हर दो घंटे में नेहा को फोटो पोस्ट करनी होती है, शिल्पा को भी। दो घंटे में, डेढ़ घंटे में इन्होंने इंस्टाग्राम में आग लगा रखी है। इंस्टाग्राम ना इनकी वजह से बंद हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब, रुचि आई नहीं है तो भाई शिल्पा ही करेगी। भाई दूज ये लो, पिक्सी करेगी अपने भाई का, पहले खुद ही खा लिया पिक्सी ने, खुद दिखा के बैठ गई। ये लव इनकी फ़ोटो खींचेगी धीरे धीरे, सबकी फ़ोटो खींची नहीं है भाई, फ़ोटो कब ना रह जाए कहीं बिल्कुल भी। ये देख लो बहुत शैतानी करते हैं। ये देख लो भाई इसको बिल्कुल ध्यान से देखो रजत को, इसका हाथ देखो हाथ, ये दुकान से ऐसे उठ के आ चुका है, मुर्गे के मीट की दुकान है रजत की, इसने इतने मुर्गे काट दिए आज, इसको नहाने का टाइम नहीं मिला। और ये आ गई हमारी बुआ की बेटी, बुआ की बेटी कह रही है मेरे को फ़ोटो खिंचवानी है, कोई विश्वास नहीं करता कि मैं इनका भाई हूँ। मैंने फ़ोटो क्यों खिंचवानी बेटा, वीडियो बनाओ और रील बना के डालो इंस्टाग्राम पे, पता चलना चाहिए कि तुम्हारा भाई है राहुल सोनकर, इतना तगड़ा। ये इसने मेरे को पहले बोल दिया गोला काटना है पूरा, मैंने काट लिया एक पहला ऐसा गोला जिसको इतना काटा है मैंने। बहन कह रही है पावर है, पावर पावर तो बहुत है बेटा। ये खिलाया लड्डू, मीठा खा खा के भाई हमारी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा बुरी, लेकिन क्या करे खाना पड़ेगा। ये देख लो छोटी बड़ी मेरी सारी बहनें साथ में, बुआ की बेटी है और ये हमारी बुआ की बिल्ले बुआ, पापा का भैया दूज कर रही है, साथ में खड़ी मोनी बुआ, मम्मी वहाँ बैठी है आराम से। देख लो भाई और कमेंट करके बताओ वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करते रहा करो यार, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा अभी थोड़े दिन बाद, फ्री होने के बाद बाहर जाऊंगा घूमने के लिए, काफ़ी टाइम से जा नहीं पा रहा। ये हमारी मोनी बुआ आ चुकी है, ये कर दिया पापा के भाई दूज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को जय श्री राम, जय बोलेगी, बाय बाय।